बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंशनर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन में जो इजाफा है 17.5% उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और नोटिफिकेशन में कहीं भी कंपाउंडिंग का जिक्र नहीं है। जैसे पहले कहा जा रहा था कि कंपाउंडिंग होगी, पहले स्टेज की पेंशन पे इजाफा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपाउंडिंग होगी तो या नहीं होगी ये अगले साल की बात है, लेकिन इस साल नोटिफिकेशन में उसका जिक्र नहीं है। और जो टोटल पेंशन है मेडिकल अलाउंस निकाल के उस पे 17.5% मिलेंगे। ये पहले से मैं ये कहता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, यानी पहले स्टेज पे जो इजाफा है कभी नहीं हो सकता। आप ये देख सकते हैं कि 17.5 नेट पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 अंटिल फर्दर ऑर्डर टू ऑल सिविल पेंशनर ऑफ फेडरल इंक्लूडिंग सिविल पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट एज वेल एज रिटायर्ड आर्म फोर्स पेंशनर पर्सनल एंड सिविल आर्म पर्सनल। इंक्रीज जो पेंशन में होगी वो रिटायर जो भी होंगे 1/7/2023 से ही एडमिजिबल होगी। और इसके साथ साथ मेडिकल अलाउंस निकाल के माइनस करके टोटल इजाफा उन्हीं पे होगा और इसमें और कोई बात नहीं है, यानी ये तमाम पे लागू होगा। उसमें फैमिली पेंशनर भी होंगे, उसमें बाकी पेंशनर भी होंगे और सिविल भी होंगे जो इसके तहत आते हैं, सूबों के तहत आते हैं। लेकिन अभी वो जो सूबा पंजाब है वो 5% पे अड़ा हुआ है, 17.5% पे आ जाएंगे और नोटिफिकेशन 17.5 का होगा। एक बार फिर तमाम पेंशनर को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशन के 17.5% कुल पेंशन पे इजाफा हुआ है। थैंक्स अल्लाह।